हरियाणा की तमाम ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा खबर तेल का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फैसला किया है कि 17 जुलाई को महाराजा अग्रसेन चौक पे धरना दिया जाएगा, उसके बाद प्रदर्शन किया जाएगा और SDM के माध्यम से माननीय राज्यपाल जी को एक ज्ञापन भेजा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश में आज माहौल है, आज असहनीय है, कानून व्यवस्था काबू में नहीं है और हर दिन हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, अपराधी अपराध करके सरेआम चले जाते हैं, आधे से केसों में अभी तक गिरफ्तारी नहीं है और इसी तरीके से जो महंगाई है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अभी अभी दो दिन पहले 2.5 रुपये प्रति लीटर जो है पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ा दिए, जिससे आम जनता में हाहाकार मची हुई है और जिससे जनता की जेब पर 1,00,000 करोड़ रुपए का सालाना जो है बोझ पड़ेगा। इतना ही नहीं, पेट्रोल और डीजल की कीमत अनुमानित 33 रुपये प्रति लीटर मिलता है बाहर से, परंतु ये टैक्स लगा लगा करके, वैट लगा लगा करके, एक्साइज ड्यूटी बढ़ा बढ़ा करके आज ये हालात बन गए हैं। पेट्रोल 78 रुपये है और डीजल 70 रुपये है, तो इस तरीके से कई गुना जो रेट बढ़ा के, जो 2-2.5 गुना जो रेट बढ़ाए गए पेट्रोल डीजल से, उससे महंगाई जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और यही तरीका एक देखिएगा, किसान जी है, किसानों के साथ तो जितना आज जाति की जा रही है, मैं समझता हूँ इससे पहले कभी सत्ता में नहीं की है। आज किसानों ने बिजली के लिए, ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए 30,000-30,000 रुपये जमा करा दिए, परंतु उनको कनेक्शन देने के लिए मना कर दिया। इतना ही नहीं, हमारे पिछले खरीफ की फसल थी, रबी की फसल आई, हमारी फसल ख़राब हो गई, धान की फसल ख़राब हुई, हमारी गेहूँ की फसल ख़राब हुई, हमारे किसान भाइयों की अभी तक कोई मुआवजा नहीं, जड़े का कोई मुआवजा नहीं, पानी के में डूबने के बाद कोई मुआवजा नहीं। और कई गांव में तो ऐसी पोजीशन आज भी है जिसमें हजारों एकड़ ज़मीन ऐसी पड़ी है जिसमें धान की फसल भी नहीं लगाई जा रही, क्योंकि वहाँ पे इतनी नमी, इतना है, ज़मीन तैयार नहीं की जा रही। तो इस तरीके से आज किसान भी पूरी तरह से तंग है, क्योंकि हर तरह की जो है आज फसल पिट रही है, पाबंदियां लगाई जा रही हैं, सरकार ने पाबंदी लगाई है कि पंचायती ज़मीन पर आप धान नहीं लगा पाएंगे, ठेका इतना बढ़ गया है, 50,000-60,000 रुपये में प्रति एकड़ मिलता है। दूसरी तरफ सरकार की पाबंदियां लग रही हैं, हर तरीके से किसान आज अलाचार है, क्योंकि इन्होंने चुनाव से पहले तो बहुत सारे वायदे किए थे, कहते थे स्वामीनाथन की हम रिपोर्ट लागू करेंगे, कर्जा माफ़ी करेंगे और समर्थन मूल्य जो है, लागत मूल्य का दुगुना जो है वो किसान भाइयों को हम देने का काम करेंगे। व्यापारी भाइयों का था हम पूरी तरह से आपको सुरक्षा देंगे, अच्छा माहौल देंगे, परंतु सरकार बनते ही GST लागू कर दिया जिससे कमर टूट गई है सारे व्यापारियों की। दूसरी तरफ व्यापारियों को अच्छा माहौल नहीं मिल रहा है, हर जगह हत्याएं हो रही हैं, कहीं डॉक्टर मारे जा रहे हैं, कहीं नेता मारे जाए, कहीं आम आदमी मारे जाए, व्यापारी मारे जा रहे हैं, दहशत का माहौल सारे हरियाणा प्रांत में है। मैं समझता हूँ इस सरकार ने जितनी जातियाँ की हैं वो बेतहाशा हो चुकी हैं और आदमी लाचार महसूस कर रहा है। तो इसलिए हमने फैसला किया है कि और बहुत सारी मांगे हैं हमारी, जिस तरह से विकास का मुद्दा है, सफ़ेदों में झूठे आंकड़े पेश किए जा रहे हैं, परंतु यहाँ जो असलियत में है कोई विकास नहीं हुआ है। हमारा इलाका सफ़ेदो इलाका जो है वो हरियाणा के सबसे पिछड़े हुए इलाकों में से एक है, हर तरीके से मैं गिना सकता हूँ। यहाँ कुछ काम नहीं हुआ, सिर्फ घोषणा हुई है एक दो, उन पर भी अमली जामा नहीं पहना गया। वो सारे कागजों में खर्च हुए हैं। आज दुर्भाग्य है कि सफ़ेदों में इंडस्ट्रियल एरिया घोषित होना चाहिए ताकि आम आदमी को रोज़गार मिल सके, यहाँ पे बाईपास का निर्माण होना चाहिए, परंतु यह और देखिएगा कितनी दुर्भाग्य की बात है, पीलूखेड़ा मंडी हरियाणा की बहुत पुरानी मंडियों में से एक है, हाँ दुर्भाग्य इस बात का वहाँ पे ना कॉलेज है, ना अस्पताल है, ना स्टेडियम है, ना बस स्टैंड है, ना तहसील का दर्जा है। इतना ही नहीं, मुआणा जिले का सबसे बड़ा गांव है, मुआणा में भी सब सुविधाओं से वंचित है हमारे इलाके के लोग, और जबकि साथ लगता इलाका
अड़ेवा जो उचाणा हल्का विधानसभा क्षेत्र का क्षेत्र पड़ता है, हिस्सा पड़ता है, उसमें वो सारी सुविधाएं हैं, चाहे उसमें कॉलेज की बात है, चाहे उसमें तहसील का दर्जा है, स्टेडियम है, सब जो होने चाहिए, अस्पताल है, समुचित सुविधाओं से पूरी तरह से परिपूर्ण है। परंतु हमारा दुर्भाग्य ये है कि ज़िले का सबसे बड़ा गांव और हमारी पुरानी जो सबसे मंडी पुरानी है पिल्लूखेड़ा मंडी, इन सब सुविधाओं से वंचित है। तो क्यों नहीं आप जो मौके के विधायक है जसबीर देसवाल, उनसे खुले मंच पे बहस करते हैं? मैं तो उनसे नहीं बल्कि हर पूर्व विधायक से जो यहाँ से प्रतिनिधि रहा है, हर स्टेज पे बहस के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, क्योंकि इन लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए हमारे हलके को पूरी तरह से बलि चढ़ा दिया, पूरी तरह से दरकिनार कर दिया। सिर्फ और सिर्फ अगर इन्होंने काम किया तो अपने निजी स्वार्थ के लिए किया है। तो आप चाहेंगे खुले मन से उनके साथ बहस करना? कोई दो राय नहीं, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। अगर वो हाँ हामी भरते हैं तो? मैं तैयार हूँ। आप तैयार हैं जी? तो अगर विधानसभा चुनाव की, सफेदो विधानसभा चुनाव की बात करें तो लोगों का कहना है कि बीजेपी की टिकट जो भी लेके आएगा वो पूरी तरह से बन जाएगा, क्या कहना है? ये सब झूठा प्रचार है, प्रोपगंडा है, इसमें कोई दम नहीं है और इसकी दम की हवा बहुत जल्दी निकाल देंगे। तो इसमें ये सिर्फ और सिर्फ झूठा प्रचार कर रहे हैं लोग, कुछ चुने हुए कुछ आदमी उनसे आप इंटरव्यू ले लेके जो भी लोग कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आज मुद्दे नहीं हैं, सब दरकिनार करके झूठा प्रचार किया जा रहा है। 3 बार हरियाणा जड़ा, कोई मुद्दा नहीं है। पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े, कोई मुद्दा नहीं है। किसानों आत्महत्या करने पर मजबूर है, कोई मुद्दा नहीं है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से बखड़ा पूरी चरमरा गई, कोई मुद्दा नहीं है। हत्याएं हो रही, कोई मुद्दा नहीं। बलात्कार हो रहे, कोई मुद्दा नहीं है। बल्कि एक ये दुष्प्रचार किया जा रहा है कि बीजेपी बीजेपी बीजेपी, अरे इसमें कोई दम नहीं है। आप देखना, इसकी हवा निकल जाएगी बहुत जल्दी। देखिएगा, जो मौका परस्त हैं वो इस तरह से जाते आते रहते हैं, उनसे पार्टी का कोई फर्क नहीं पड़ता। और बाकी उन लोगों को मेरे हिसाब से कुछ मिलने वाला कहीं नहीं है। जहां आदमी टिका रहता है वहीं पे सब कुछ होता है। हत्याओं का जिक्र किया, हाल ही में कांग्रेसी नेता की हत्या की गई, क्या सीधा सीधा उसी से आपका कनेक्शन है? कांग्रेस नेता की हत्या हुई, डॉक्टर की हत्या हुई, हर रोज हत्या हो रही है, 3-3 कत्ल हो रहे हैं सोनीपत। इस हमारे अगर आंकड़े देखे जाएं, सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में 1 महीना में कम 50 हत्याएं हो चुकी हैं लोकसभा क्षेत्र में, हमारे लोकसभा क्षेत्र में। और कम से कम हरियाणा में मेरे ख्याल में 200 से ऊपर हत्याएं, जो मेरी गिनती मेरे हिसाब से 200 के करीब हत्याएं जो है ना हो चुकी हैं। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। सरेआम हत्याएं की जाती हैं, सरेआम वो डॉक्टर की हत्या की आपने पता करनाल में, हर आदमी हमारे लिए समान है। सरकार और कट्टर क्या नकारा साबित हो रही? इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रशासन पूरी तरह से बेलगाम है और ना इनके बस की बात है सत्ता को चलाना, और पूरी तरह से विफल हुए हैं। जनता जागरूक हो चुकी है, जिस तरीके से पीछे झूठ बोल के वोट ले लिया, परंतु आगे अब ये स्थिति आने वाली नहीं है। अब आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत से बनेगी, कांग्रेस के उम्मीदवार जीत के आएंगे। कैंपेनिंग कर रहे हैं आप, किस तरह का प्रचार चल रहा है और किस तरह का आपको समर्थन मिल रहा है? हम देख रहे हैं, हर गांव में जाते जहां भी जाते हैं 36 बिरादरी के लोग पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं और हमारे साथ हैं। हर लोग इस बात पे पछतावा कर रहे हैं कि हमसे जो है भूल हो गई है, गलती में हवा में वोट दी गई और अब आगे हम वोट नहीं देंगे किसी भी सूरत में। हरियाणा की तमाम ताज़ा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा खबर तेल का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें।